टाइम से दादी वॉचिंग से वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ श्रुति का, जो कि स्टूडेंट है डीबीएस में। तो हम डीबीएस की बात करेंगे, डीबीएस कॉलेज के बारे में, और हम बात करेंगे कि यहाँ पे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसा होता है, और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है अब्रॉड में, पार्ट टाइम जॉब, वो सब। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको 1-to-1 कॉल शेड्यूल करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, लाइटिंग। सो गाइस, वी हैव श्रुति हियर। श्रुति डीबीएस में पढ़ती है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, अभी हमने लोकेशन चेंज कर लिया, वहाँ पे आवाज़ सही नहीं आ रही थी, हमने बहुत जगह ढूंढी और हम यहाँ पे आ गए जहाँ हवा नहीं है ज़्यादा। लाइटिंग चेक कर लो बस, एक बार इधर इधर कर लेते हैं इस साइड। पर आपकी फेस भी नहीं आ रही है, सनग्लासेस पहन लो। मुंह पे आ रही है। तो लाइटिंग भी सेट हो गई है, हवा भी सेट हो गई है, अब इंट्रोडक्शन लेते हैं श्रुति का। तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताओ थोड़ा सा। तो हाय, हाउ आर यू डूइंग गाइस। सो माय नेम इज श्रुति, मैं इंडिया से हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। सो मैं डबलिन आई हूँ लास्ट सितंबर, एंड आई एम फाइंडिंग द सिटी वेरी नाइस। सो इट्स द फर्स्ट टाइम दैट मैंने अपना घर छोड़ा और मैं अब्रॉड फर्स्ट टाइम मूव हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स, और मैंने इंडिया में 2-3 years का एक्सपीरियंस लिया है सेम फील्ड में। सो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस एंड देन यू कम टू इंडिया, सो लाइक आयरलैंड, सो देन इट्स अ बेटर थिंग बिकॉज देन यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ यहाँ पर मास्टर्स सिर्फ 1 साल का होता है एंड 2 semesters होते हैं, एंड एग्ज़ाम्स एज सच मैंने तो कोई नहीं दिए, लेकिन असाइनमेंट्स करने होते हैं। और या दैट्स ऑल। आप तो कह रहे थे मेरे को एक्सपीरियंस नहीं, आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी एक बार में। मतलब एक्सपीरियंस लेके आए तो बेटर है। नहीं, यूट्यूब का आप कह रहे थे एक्सपीरियंस नहीं, हेजिटेट करेंगे। आपने तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी एक बार में। हाँ, तो आपने जैसे मास्टर्स आपने बताया डीबीएस से करिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो कॉलेज कैसा है और आपका कोर्स कैसा लगा आपको? So DBS, to be honest, is okay. तो अगर हम DBS की बात करें तो DBS is good college, but if you find like if you have options from other college, I think you should go and check, get more exposure there. That's what I feel, because in DBS I think 80-90% are Indians. So if you want to get, you know, the exposure from Indians and want to get to know the real thing, so I think you should explore other college. But I think DBS is fine if you're not that much focused into the college thing, because here the degree doesn't matter, like kahan se aapne liye, because your experience and your knowledge, that's the thing. Matlab ye depend nahi karta ki aap kaun se college se graduate hoye ho, ye depend karta hai aapka skills, knowledge kitni hai jobs perspective se. But she meant ki agar aapko exposure chahiye, ki aapko yahan pe aake lage ki aap kahin bahar pad rahe ho, तो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी कर सकते हो कोर्सेज, बट अगर आप बजट कांस्टेंट हो कि आपको इतने बजट में ही करना है, तो आप कॉलेजेस में भी कर सकते हो, बट वहाँ पे एक्सपोजर यूनिवर्सिटीज में ज़्यादा मिलता है। तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा था डीबीएस में मार्केटिंग का, अदर देन की एक्सपोजर उन सबसे, कोर्स कैसा था और टीचर्स कैसे थे? इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो कोर्स था वो 2 parts में डिवाइडेड था, 2 semesters। सो जो पहला सेमेस्टर था उसमें हमने मार्केटिंग के पूरे मॉड्यूल्स पढ़े, एंड द प्रोफेसर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से मॉड्यूल्स से, कुछ आइडिया है? या सो आप अब थोड़ा मॉड्यूल के बारे में बता दो कि लाइक आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या मॉड्यूल थे, सेकंड सेमेस्टर में उनका थोड़ा थोड़ा आइडिया, ताकि सबको पता लग जाए जो पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे कैसे। सो हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे 4 subjects हैं, जिसमें से रिसर्च मेथड आपके दोनों सेमेस्टर में रहेगा, क्योंकि आपने डिसर्टेशन जो करनी है वो उसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगी, सो दैट विल बी द कॉमन सब्जेक्ट। सो जो वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में रहेगा, सो सेमेस्टर 1 में आपके पास स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, वेब मार्केटिंग और डिजिटल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आएगा, जिसमें आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। सेकेंड सब्जेक्ट में आपको कैसे वेबसाइट का मैनेजमेंट होगा, और तीसरे में आपको बताएंगे टूल्स यूज़ करना, कैसे वेबसाइट को आप ट्रैक कर सकते हो और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप इन शॉर्ट ये सीखोगे। Okay. And I think, yeah, they teach very well that you can easily design and then manage the website. Second semester में जो अभी currently चल रहा है हमारा, जैसे कि ये अप्रैल है, तो हमने पढ़ा है सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें भी 4 subjects हैं, जिसमें रिसर्च मेथड कॉमन रहेगा। एक है डेटा एंड डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स, और एक है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड विजुअलाइजेशन, और एक और है
इसमें बेसिकली हमें बताएंगे हाउ टू मेक द रिपोर्ट्स मोर अपीलिंग यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक टैबलू एंड पावर बीआई. और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो आप यहाँ पर सीखोगे आई थिंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एनालिटिक्स एंड प्रेजेंटिंग इन एक्सेल शीट, सो ये आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा, हेल्प करेगा टैबलू एंड पावर बीआई. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हम सीखेंगे हाउ टू रन गूगल एड्स डिफरेंट सब्जेक्ट में लाइक डिजिटल डेटा एंड डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स में, हाउ टू यू नो क्रिएट सोशल मीडिया पेज, हाउ टू रन देम, हाउ टू रन गूगल एड्स एंड हाउ टू ट्रैक डाउन द एनालिटिक्स. गूगल एड्स रन बिना करे कैसे चैनल को ग्रो करें ऑर्गेनिकली वीडियो बना. मैंने कभी गूगल एड्स नहीं करा. नहीं तो गूगल एड्स रन करने के लिए आई थिंक आपको वेबसाइट चाहिए. नहीं मेरे को करना नहीं ना गूगल एड्स. अच्छा तो फिर चैनल खराब हो जाता. नहीं नहीं तो ये हम थोड़ी पर्सनल बात कर रहे हैं तो इसलिए आई वुड सजेस्ट हम बूस्ट कर सकते हैं पोस्ट को लाइक इंस्टाग्राम में और फेसबुक में और बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं. सो उसका जितना भी यूरो वन डे का हिसाब से है तो आई थिंक दैट इज आल्सो गुड ऑप्शन. तो आपके यहाँ पे मतलब आपको लाइफ कैसे लगी जैसे आप यहाँ पे आए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी, कुछ डिफिकल्टीज आई या सब स्मूथ था? सो लाइक तो जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, सो हम दोनों ने जर्नी स्टार्ट इंडिया से ही साथ में करी थी. और हम जैसे यहाँ लैंड हुए तो हमने ऑलरेडी लकीली हमें अकोमोडेशन बुक कर रखी थी और हम यहाँ पर आए. अकोमोडेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी पर एक महीने के लिए ठीक थी. तो आपने इंडिया से बुक करी थी. तो आपने तो वो ऐसे कैसे देखा कि रिलायबल है या फिर कुछ वेबसाइट थी? नहीं तो हमने व्हाट्सएप पे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अकोमोडेशन के, तो उसमें से मेरी फ्रेंड ने एक ज्वाइन करा हुआ था तो उसमें हम लोग बात करके बहुत मुश्किल से मतलब मिल गया था क्योंकि daft.ie वगैरह मतलब रिलायबल हैं बट दे डोंट रिवर्ट. सो अगर मतलब व्हाट्सएप ग्रुप इफ़ यू नो समवन, सो आई थिंक इट्स ईजियर. सो वहाँ से हमने अकोमोडेशन बुक करके हम डायरेक्टली आए. हमने एयरपोर्ट में हम लैंड मतलब एयरपोर्ट में हम आए, उसके बाद हमने शायद कैब करी क्योंकि दैट्स द मोस्ट फीजिबल ऑप्शन क्योंकि बसेज एंड ऑल का हमें पता नहीं था उस टाइम पे, लीव कार्ड एंड ऑल. तो हम वहाँ से सीधा आके अपने लोकेशन में आए और फिर स्मूथ लाइक हम डिनर बनाया, खाया और हम सो गए. स्टार्टिंग में तो सब कैब ही करते हैं लाइक मेरे को तो कॉलेज ने दी थी, कुछ कॉलेज भी देते हैं जैसे मेरा एनसीए कॉलेज था उन्होंने कैब दी थी कि वो स्टूडेंट्स को ले आएंगे. फिर उसके बाद कभी कैब नहीं लेते. आपने ली उसके बाद कैब? नहीं बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव. उसके बाद नहीं ली. हम तब ले सकते हैं अगर 5 बंदे जा रहे हैं तो स्प्लिट कर दो, तो फिर वो बस के अकॉर्डिंगली पड़ जाता है रिलायबल. तो उसके अलावा फिर नेक्स्ट डे लाइक फिर जब हम आए तो हमें पता चला क्या क्या चीज़ें लाइक PPSN, GNIB कार्ड और पार्ट टाइम ढूंढना, CV बनाना. सो दैट वाज काइंड ऑफ अ हसल. और जस्ट टाइम पे हम आए थे उस टाइम पे बहुत रश था. आई मीन कि एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए शायद हम 2 दिन लगातार कॉल करते रहे थे GNIB के लिए. तो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बिकॉज जब तक कॉल से हो गया कॉल से ही पहले एक वो था ऑनलाइन उनकी वेबसाइट वहाँ पे फिल करनी थी डिटेल्स और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट मिलती थी और वो बहुत दिन तक करना पड़ता था. ओके नो हमारा तो सिंपल कॉल था, एक नंबर था. अच्छा, उसमें आपको कॉल करनी थी और बट वो कॉल आपको वेटिंग करते थे 20-25 मिनट्स. तो उस टाइम पे शायद बच्चों मतलब ज़्यादा लोग आ रहे थे शायद अब्रॉड तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. तो मेरी फ्रेंड को एक दिन में मिली थी, मेरे को 2 दिन लगे थे कॉन्टिन्यूस. और अपॉइंटमेंट मिली थी 2 महीने बाद की. ओके तो मैं सितंबर में हमने बुक करी तो हमें नवंबर एंड की मिली थी. तो वो पहले तो बहुत मुश्किल था. पहले जब मैं आया था तब वेबसाइट पे भरना पड़ती थी डिटेल्स और वो भी आप इतने में डिटेल भरोगे स्लॉट्स चले जाते थे. तो एक एक्सटेंशन आता था जिसमें सारी डिटेल्स भर के रखते थे, फटाफट अप्लाई दबाते थे, तब मुश्किल से डेट मिलती थी. और दिन में एक टाइम होता था या 2 टाइम ऐसे होते थे जब अपॉइंटमेंट्स आती थी. तो अपॉइंटमेंट मिलने में भी बहुत हफ्ते लगते थे. अभी मतलब कॉल से थोड़ा ठीक था लेकिन आपको लेकर बैठना पड़ता था. फिर उसके बाद PPSN की अगर बोले तो PPSN आई थिंक शायद डायरेक्टली हमने वेबसाइट में डाल के और अप्लाई करा था. वो सिंपल था क्योंकि उसके लिए भी नेक्स्ट 2 महीने लगे थे आई थिंक. तो ठीक था वो में तो वो आपको टैक्स भरना होता है ना, तो फिर वो फटाफट दे देते हैं PPSN. पर लेकिन हमारा PPSN भी 40 डेज में आया था क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सीन चल रहा था. उसके बाद आपको पार्ट टाइम मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर PPSN नहीं है. PPSN GNIB भी नहीं होता नहीं मिलती. तो अभी भी मेरे फ्रेंड्स जो जनवरी में आए वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे PPSN के लिए और GNIB के लिए. तो वो उनको अब मार्च में आके जॉब मिली लाइक 2 महीने क्योंकि उनके पास GNIB और PPSN नहीं था बिकॉज ऑफ दिस. 2-3 महीने लग ही जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली सबको. कुछ कुछ बहुत लकी होते हैं जिनको आते ही मिल जाती है बट वैसे 2-3 महीने लग जाते हैं.
और बाकी पार्ट टाइम की अगर हम बात करें तो सीवी मतलब आपको पता चल जाता है यहाँ का फॉर्मेट क्या है। ये तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी पूछो आप तो मैं ऐसे हो जाता हूँ, आप पूरी वीडियो बना दोगे। आपको एक्सपीरियंस तो है वैसे यूट्यूब का, मार्केटिंग का, सब मार्केटिंग का है। मैंने आपको बोला मैं पेज बनाती हूँ, मेरी रील्स देखना। आप इनका इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हाँ पार्ट टाइम का, जैसे अगर आप यहाँ पे आए पार्ट टाइम, आपको कितने टाइम में पार्ट टाइम मिली और पार्ट टाइम मिलनी कितनी ईजी थी कितनी हार्ड थी, उसके लिए आपने सीवी कैसे बनाया, क्या फॉर्मेट था उसमें, क्या क्या आपको डालनी पड़ी, आपका पहले का एक्सपीरियंस या बिना एक्सपीरियंस के मिल जाती है? ओके सो जैसे कि हम यहाँ पर आए तो पार्ट टाइम का फॉर्मेट होता है, लाइक मेरे को किसी ने सजेस्ट करा था आप दो सीवी रखो, एक रिटेल असिस्टेंट के लिए और एक फूड में अगर आप काम करना चाहते हो रेस्टोरेंट में। शेफ तो नहीं बन सकते अगर आपको स्किल नहीं है, तो वेटनेस का ही होगा और या फिर टेक अवे में आप लग सकते हो। तो उसके दो सीवी के फॉर्मेट थे, तो मैंने तो ऑनलाइन कोई एडिटर यूज़ करा था जिसमें आपको पहले से ही सीवी के फॉर्मेट्स देते हैं, आपको बस सर्च करना होता है रिटेल असिस्टेंट सीवीज और या फूड फूड जॉइंट्स या फिर वेटरेस सीवी, उसी को देख के हमने एडिट करा। और अगर आपको रिटेल असिस्टेंट का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो बोलता था तो मैंने झूठ डाला था पता ज़्यादा एक्सपोज तो नहीं हो रहा नहीं नहीं पता तो क्योंकि आप इंडिया में कौन करता है ना मतलब, तो अगर आप इंडिया में आपने रिटेल में काम नहीं करा है लेकिन पार्ट टाइम में यहाँ पर एवरीथिंग लाइक सारा काम एक बराबर है, तो दैट्स व्हाट आई फील दैट्स अ गुड पार्ट हियर, बिकॉज कोई जॉब बड़ी है छोटी नहीं है। तो सीवी में मतलब मैंने डाल दिया था कि मैंने फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर कोई सुपर मार्केट है जैसे इजी डे, तो उसको डाल के दिखा देते कि है वर्क एक्सपीरियंस। सो आई थिंक वो आपकी जॉब लेना थोड़ा सा पाना मतलब थोड़ा सा इजी कर देता है अगर आप डालो कि आपने एक्सपीरियंस है आपको। like मैंने भी डाला था, मेरे पापा की फार्मेसी है तो मैंने वहाँ पे डाल दिया था कि मैंने वहाँ पे काम करा है, कस्टमर्स के साथ डील करा है, टेल पे बैठा हूँ वो सब, तो उससे फिर जॉब इजीली मिल जाती है थोड़ी। हाँ तो मैं वही सजेस्ट करूँगी आप डाल दो, नहीं तो अगर आपको नहीं डालना तो आप ट्राई कर सकते हो कितना टाइम लगता है। और बाकी सेम फूड का भी है मतलब आप बोल सकते हो आपने वहाँ पर भी मैकडी में काम करा है पर सबको पता है। तो आपको कितने टाइम में मिल गई जॉब? तो मैं सितंबर में आई थी तो आई हार्डली टुक लाइक 15 डेज टू फाइंड अ जॉब, बिकॉज उस टाइम पे शायद क्रिसमस टाइम था होने आने वाला था, तो इनका जो ये सबसे ज़्यादा तो आई थिंक जिस टाइम मैं आई तो क्रिसमस टाइम था और क्रिसमस टाइम यहाँ का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है, तो उस टाइम पे किसी भी जगह पर आप जाओगे तो वो स्टाफ ही हायर करते रहते हैं क्योंकि स्टाफ उनको ज़्यादा नंबर में चाहिए होते हैं। तो मेरे को भी और इवन मेरी फ्रेंड को भी ये पाना बहुत मुश्किल हो गया, मतलब आसान था हमें लगा मुश्किल होगा लेकिन वो सेप्टेम्बर इनटेक की वजह से आई थिंक इट वॉज ईजियर, सो मैंने शायद 15 डेज में कर ली थी और 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया। क्रिसमस टाइम पे ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए होता है तो वो ज़्यादा रिक्रूट करते हैं तो थोड़ा इजी होता है। तो अब पे कितना है मिनिमम पार्ट टाइम पे? जब स्टार्टिंग में सितंबर में 10:30 था और 1 जनवरी से रिवाइज हो गया, नाउ इट्स 11:30 बेसिक, तो वो है ही। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका जैसा जैसा जॉब है वो बढ़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 12 आप लेके चल सकते हो, 11:30 में मिलती है, कुछ 5-star होटल में करो तो वहाँ 13 यूरो, और इनफैक्ट लिडिल में अगर आप किसी अच्छे रोल में वो 14 यूरो भी देते हैं। लिडिल में पार्ट टाइम मिलती है, फुल टाइम नहीं देते? मिलती है, तो मेरे को मैं आपको बताती हूँ, मेरे को पार्ट टाइम का ऑफर ऑल्डी से भी आया था, लिडिल से भी आया था और छोटे स्टोर से भी आया था मतलब जहाँ पर मैं अभी करंटली कर रही हूँ, तो मोबाइल शॉप है। ओके तो आई थिंक लेकिन उनका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था ऑल्डी और लिडिल का, बट दे पे वेरी वेल, वो सब देने पड़ते हैं। सो मैं जब से मैं आई हूँ मैंने एक ही पार्ट टाइम कर रही हूँ, मतलब आई हैवंट चेंज बिकॉज आई फाउंड दैट प्रीटी मच ओके, या सो या दैट्स इट। आपके पास है जस्मिन किंग, हमने अपना कैमरा डस्टबिन के ऊपर रखा है यहाँ पे, देखो स्टैंड नहीं है ना हमारे पास, तभी एक बंदा आया था फेंकने के लिए। ओके तो फिर पार्ट टाइम लग गई आपका, सब कुछ ईजी हो गया, एकोमोडेशन आपको कैसे मिली इजीली यहाँ पे आके? वो एक मंथ की मिली थी, उसके बाद अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी बता दो। नहीं नहीं बता दो, जो हमारी एकोमोडेशन थी वो
परमानेंट ही थी लेकिन हमें पसंद नहीं आई तो हमने नोटिस देकर छोड़ दिया उसको, मतलब अपने हमारे एक महीने का था लेकिन हमने 20 दिन में ही छोड़ दिया। और उसके बीच में हमें व्हाट्सएप में, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ज़्यादा बेटर है इफ़ यू हैव कनेक्शंस एंड समवन, अगर आप किसी को जानते हो तो हमारे कुछ जानने मतलब थे जिसे हम जानते थे, तो उसके थ्रू एकोमोडेशन का मैसेज आया तो हमने नेक्स्ट दिन ही व्यूइंग करी। आई थिंक वी वर लकी दैट टाइम बिकॉज अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उस टाइम पर भी थी स्यापा था तो पर हम एक ही दिन गए, हमने व्यूइंग करी और नेक्स्ट डे हम मूव हो गए थे, मतलब नेक्स्ट डे एज इन नेक्स्ट मंथ, जिसके मंथ में 3 दिन था। और फिर जहाँ मूव करे वो एक फैमिली है जो कि बहुत अच्छी है, तो हम वहाँ से, वहाँ पर हम अक्टूबर से हैं और वहाँ हम पे अभी रह रहे हो इसलिए हाँ नहीं वो बहुत अच्छे हैं तो इवन अभी हमारे पास ऑप्शन भी होंगे तो अभी वी फील लाइक अ होम देयर बिकॉज वो दो हस्बैंड वाइफ एंड दो बच्चे हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली ना, सो आई थिंक we are liking that place so that's why humne accommodation kiya tab se koi wo family agar abhi dekh rahi hai to ha bacche ho tabhi hai mere ko lag raha hai aap har cheez mein hi lucky the aapko part time bhi easily mil gayi aapko accommodation mil gayi to jo log keh rahe hai accommodation nahi mil rahi part time nahi mil rahi aap dekh lo ye khud september intake mein aayi hai aur inko abhi tak part time bhi mil gayi thi aate hi 15 din mein aur accommodation bhi inhone khud chhod ke dusri le li right humne chhodi thi ha right because wo theek nahi thi matlab if you are not liking the place where you are living to i think you should change it तो ऐसा नहीं है नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है, पार्ट टाइम भी मिलती है और एकोमोडेशन भी मिलती है, जॉब भी, इंटर्नशिप भी लग गई इनकी वो बताओ इंटर्नशिप कैसे लगी आपकी? सो इंटर्नशिप लाइक आई थिंक द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू फाइंड इंटर्नशिप इज आई पर्सनली फील इज इंडीड। सो इंडीड में आई यूज टू अप्लाई डेली, आई यूज टू अप्लाई बिफोर लीविंग फॉर माई पार्ट टाइम आई थिंक, या सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ओनली लाइक इट वॉज नॉट like they won't call you like in 2 days or 3 days, they'll take their time like 10 days 20 days and then ek mahina do mahina right so you can you can expect that ki the process will take time to usi ke sath mein main work karti thi, main apply karti rehti thi kyunki mujhe pata tha ki ab college khatam hone wala hai to i think you should stay one step ahead तो ऐसा नहीं है इनको सब लकीली मिली है, इन्होंने हार्डवर्क भी बहुत करा है, अभी धीरे धीरे बता रही है तो ये हार्डवर्क, ये रोज अप्लाई करो जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप के लिए। लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन भी है लेकिन आपको इंडीड ज्यादा इंडीड से मिली आपको? या बिकॉज आई थिंक लिंक्डइन में दे व्हाट आई फील इज मोर प्रोफेशनल, लाइक इंडीड इज आल्सो प्रोफेशनल बट देन इन लिंक्डइन यू नीड टू यू नो सेंड कॉल मैसेजेस सम टाइम दैट हे आई एम लुकिंग फॉर जॉब, आई थिंक दैट माइट बी अ गुड ऑप्शन एज वेल। बट पर्सनल लाइक मेरे को पार्ट टाइम भी इंडीड से ही लगी थी एंड मैंने स्टोर्स में जाके CV भी दिए थे, स्ट्रगल। सो आई यूज टू, इधर पर CV काफ़ी महंगा निकलता है, आई थिंक 7-8 cents कॉलेज में लगते होंगे 7-8 cents पर, मैंने 40 cents पर पेज निकाला था। 40 cents कॉलेज से? नहीं लाइब्रेरी से, 30-40 cents। हाँ लाइब्रेरी में बाहर निकालते हो 30-40 cents और शॉप पे जाते हो कहीं बाहर तो 1 euro 1.5 euro लगता है। Right. और जब हमारी तरह जॉब करने लगे तो फ्री में कितने भी प्रिंट करो ऑफिस में तो वो CV निकाल के बस हम बांटते थे जगह जगह जाके, मैं और मेरी फ्रेंड, तो उसमें से कॉल आना चाहिए था जो कि नहीं आया, फिर मेरे को इंडीड से मिली तो मेरे को पार्ट टाइम भी इंडीड से मिली थी और ये इंटर्नशिप भी इंडीड से मिली थी। पर इंटर्नशिप में मिनिमम कितना वेज होता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर कुछ रेंज देना चाहो आपको? सी अगर इंटर्नशिप की हम बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव गुड एक्सपीरियंस सो द आवर्स विल वेरी फ्रॉम 16 to 20 hours बिकॉज इट्स पार्ट टाइम, इट कॉन्ट बी अ फुल टाइम। इफ दे लाइक योर जॉब आई थिंक और दे हैव गुड बजट सो दैट माइट गेट कन्वर्टेड इन टू फुल टाइम इफ यू आर हैप्पी टू गो विद दैट। सो इट्स बिटवीन लाइक मिनिमम इज 11:30 सो इंटर्नशिप यूजली स्टार्ट फ्रॉम 13 minimum, that should be the minimum 13 euros per hour and then can go till 20 okay. Yeah. Okay depending on the hours okay yeah. And I think हमने सारी बात कर ली काफी जल्दी बोल रहा मैंने तो आई थिंक सारी बात कर ली हमने, आपको और कुछ लगता है ऐड ऑन करना इसमें? कुछ टिप आप देना चाहो स्टूडेंट्स को जो आ रहे हैं? ये मैं कट कर दूं तो टिप ये रहेगी कि लाइक डोंट थिंक दैट इफ यू आर स्पेंडिंग दैट मच मनी फ्रॉम इंडिया यू विल बी एबल टू रिकवर दैट मनी हियर। सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक जितना आपका पैसा लगेगा उससे ज़्यादा ही आप रिकवर करोगे बिकॉज हियर अर्निंग्स आर मोर। एक बार वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है बट हियर आई थिंक आफ्टर दैट एवरीथिंग इज ईजी वंस यू गेट अ जॉब।
बट देन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. नहीं जॉब मिलने के बाद भी स्ट्रगल बहुत है. नहीं उसके बट वैसे फाइनेंस वाइज इजी हो जाएगा बट वैसे स्ट्रगल्स बहुत है. स्ट्रगल है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा मतलब इट्स बेटर देन इंडिया बट स्टिल अभी लर्नर ड्राइवर जो सिखाते हैं वो जा रही थी कार उनकी तो मेरे को ध्यान है लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है और ये अभी खुद भी अप्लाई कर रही है तो इनको अभी दिक्कत हो रही है. दिक्कत तो नहीं मतलब काफी टाइम लगता है लाइसेंस आने में. और लाइसेंस अगर आपके पास गाड़ी है तो आपका डिस्टेंस अगर 2 घंटे का है तो कार से इट्स जस्ट 30-40 मिनट्स. दैट्स अ बिग डिफरेंस आई थिंक. क्योंकि बस बहुत जगह रुकती है और रेड लाइट्स और चेंज करनी पड़ गई तो दिक्कत तो वो सब दिक्कत है बहुत. और घूम के बहुत आती है बस बहुत आती है. उसके अलावा आई थिंक अनदर थिंग इज लाइक डोंट बी स्केयर्ड इफ यू वॉन्ट टू कम यू शुड कम बिकॉज इवन आई वॉज इन द डिलेमा दैट वेदर आई शुड कम और नॉट. देन आई यूज टू टेक्स्ट लाइक डिफरेंट पीपल हु आर यू नो अराउंड living in different countries and they were like yes give you a shot and I think maza aayega. So I think if you have the opportunity I think you should come. Fir inhone meri videos dekhi sab clear ho gaya ye main khud hi edit kar deta. हाँ फिर मैंने सिद्धांत की वीडियो देखी तो उससे चीज़ें और स्मूथ हो गई क्योंकि आई थिंक जो टू बी ऑनेस्ट क्योंकि जो ये चीज़ बताते हैं वो फैब्रिकेटेड नहीं होती है इट्स द रियल थिंग. जैसे कि मैं भी आपको बता रही हूँ इन्होंने सब रियल बता दिए. तो आप इनकी वीडियोस देखते हैं देखो और कंटिन्यू करो क्योंकि वो रियल चीज़ बताएंगे आपको. कुछ प्रॉफिट नहीं है बट अ वे टू हेल्प. थैंक यू. प्रॉफिट तो है बट थैंक यू. ठीक है सब्सक्राइब करो सारे बट थैंक यू. आपने इतना अच्छा बोला काफ़ी अच्छा लगा मेरे को. और आप इनके इंस्टा पे रील्स देख सकते हो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रील्स बना रखी है. मैंने भी फॉलो करा इनको अभी. या तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताना कैसी लगी. और आपको और कुछ भी इनसे क्वेरीज हो तो हम एक और वीडियो बना सकते हैं. इफ़ यू आर रेडी तो हम एक और वीडियो भी बना सकते हैं आपकी क्वेरीज पे. आप क्वेरीज नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो और इनके इंस्टा पे भी इनसे पूछ सकते हो. मेरे को पता है आप लोगों का बहुत लोग तंग करने वाले. मैं जिनके आदमी वीडियो बनाता हूँ वो मेरे को मैसेज करके कहते हैं कि इतने मैसेजेज आ रहे हैं इतने मैसेज आ रहे हैं लोग ये पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं. अगर वीडियो अच्छी गई तो नहीं वीडियो अच्छी जाएगी बिकॉज माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड लाइक आई टोल्ड देम दैट मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ. They were excited like okay. Anyway, I told my mom was like a video ki link share kar de. Maine kaha mummy video banne to do. Aunty ye video baad mein hi aayegi jab aapko surprise pehle mil jayega. Right. After third. Kyunki Shruti India ja rahi hai to uske baad fir inki mummy ko pata lagega ki video mein ye aa rahi hai. Right. So let's see. Thanks for watching this video. I hope aapko video achhi lagi ho. Channel subscribe karna, like karna and I will see you guys in the next video. Take care. Video bahut badi ho gayi hai. Yeah.